वेलकम बैक चैनल रमजान में खुश आमदीद। काश आप मुझे और अरूज को ब्रेक में देख लिया करें। हम दुनिया की सबसे फनी खबर का हमें जाना टाइटल मिल सकता है। डालडा का एप्रिन मुबारक हो आपको। थैंक यू। क्या बात है भाई, हालांकि बिल्कुल आपके कपड़ों के साथ मैचिंग हो गया है, मैचिंग हो गया है। वेलकम टू गेट सेट कुक बाय डॉलिंस का किचन, जिसमें हमारे साथ खाना बताती हैं शेफ अरूज और पकाती हैं शेफ राबिया। राबिया अनम जो है ये खाना पकाती हैं, मैं बताती हूँ। मगर क्योंकि मैं बताती हूँ तो मैं बता रही हूँ कि हाथ धोना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। तो लाइफ बॉय हैंड वॉश आपको 100% ज्यादा हिफाजत देता है जरासीम से, यू नो। और आज बाय द वे बहुत ज्यादा हाथों का काम है आम साबुन के मुकाबले में, वो भी सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है, ठीक है। आज क्या क्या बन रहा है जी? आज बन रही है, इन्होंने कहा कि इबादतों के दिन करीब आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि कुछ स्नैकी हो वगैरह वगैरह। आई एम श्योर कि लोग अफ्तारी में अब प्लेन खजूर खा के भी थोड़े बोर हो गए। ये मुझे बहुत पसंद है। और ये एक लड़की है वो बना के भेजती हैं। अनाबिया की जो है रोजा कुशाई में हमने ये सर्व किया एंड एवरीवन लव्ड इट। वो एक होता है ना कि आप डायरेक्ट खजूर से आप इसकी तरफ आ जाए। तो आज हम बना रहे हैं डेट पावर बॉल्स। दैट इज करेक्ट। यानी खजूर के समझे एक तरीके की। अच्छा, मीठा खजूर का मतलब मिठाई खजूर मिठाई खजूर मिठाई। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास खजूर हैं जिनको हमने जिसका बीज निकाल दिया है। और कोशिश ये करें, नाउ आई नो कि यू नो अजवा खजूरें और जो मेजूल खजूरें होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, बट यहाँ पर लोकल भी जो अपनी खजूरें आती हैं जो कि थोड़ी ज्यादा फ्लैशी होती हैं। हाँ, ड्राई खजूरें ना लें जो थोड़ी सी और अजवा भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी ड्राई होती है ना। नहीं, अजवा सॉफ्ट होती है ना, लेकिन थोड़ा सा उसका जो आउटर पार्ट है वो एक क्रिंकली सा होता है। ये वो वाली लें जो मेजूल, ये मेजूल आती है, लंबी खजूर होती है, वो बहुत मॉइस्ट बहुत सॉफ्ट। सो यू कैन बाय लोकल वंस जो कि थोड़ी मॉइस्ट और सॉफ्ट होती है। पिट कर दिया हमने इसको, आपने जैसे के देखा। अच्छा राबिया अनम, यहाँ पर हमें एक चाहिए फैन। मैं भी हाथ धो लूं अगर आपने मुझसे भी काम करवाना। हाँ, मैं आपसे बहुत सारा काम करवाना है एक्चुअली। आज हम दोनों के बाय द वे बहुत सारे हाथों का काम है आज। हम कुकिंग जरा कम और ठीक है। अच्छा भाई, एक तो ये हो गई, दूसरी क्या रेसिपी बना रही हैं आप? अच्छा, दूसरी रेसिपी क्योंकि मुझे इधर काम करना है 30वें रोजे तक, और मुझे पता है कि वरना ये डन है। ऑलमोस्ट जाने के रोजे 30 ही हो रहे हैं। 22 तारीख को ईद होगी। और रोयत हिलाल कमेटी ने भी और जो वेदर वाले भी हैं उन्होंने भी आज कहा है कि पोटेंशियल है, मोस्टली ये चांसेस है कि 22 तारीख को ईद होगी। और सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, 22 तारीख को। जी जी, 22 को ईद होगी। 23 को शुरू होगा, जुमे को नहीं होगी ईद, हफ्ते को ईद होगी। वैसे भी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जुमे की जो है हुक्मराने वक्त के ऊपर बड़ी मुश्किल गुजरती है, यानी ट्रबल। बट खैर, वो एनी वे सऊदीया से पहले नहीं ईद होती और 30 के ही है भाई। अच्छा, अभी से बता दिया उन्होंने। सिचुएशन ये है कि इसको बनाने के लिए, क्योंकि दूसरी जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो ऑब्वियसली हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर कि मैं जो यहाँ पर काम करने और अगर मैं गुड गर्ल गोश्त का आइटम नहीं बनाती तो गोश्त तो हमें गोश्त तो हम बना रहे हैं तो हम हंटर बीफ के सैंडविच वेरी गुड। अभी इसके लिए क्या करना है जल्दी? अच्छा, इसको पहले ना तुम पहले नट्स टोस्ट करो। ओके, सारे पूरे ठीक है। नट्स पहले करेंगे, बादाम डालो, ये सबसे लेट टोस्ट होते हैं तो इनको जब ये हाफ वे टाइप्स पर पहुंच जाएंगे ना तो फिर तुम इसके अंदर डालना। ये हमारे पास वॉलनट्स हैं। आपने बाय द वे कौन से जो भी जिस भी नट से आपको ज्यादा लगाव है आप वो नट डालें, नट्स हो जाएं। अगर नट नहीं डालना चाहते और चार मगज डालना चाहते हैं या कोई बीज डालना चाहते हैं जैसे सनफ्लावर, तो वो भी जो घर में यार कुछ ना कुछ तो घर में पड़ा होता है ना वो यूज कर लें। और कराची वाले तो चले जाए एम्प्रेस मार्केट, सस्ते और टिकाऊ नट्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे। बर्न्स रोड पे भी बाय द वे रोड पे मिल जाते हैं। हां, बर्न्स रोड पे भी बहुत ज्यादा सस्ते नट्स मिलते हैं। ये हाफ पे पहुंचेंगे ना तो फिर इसके अंदर ये वाला डालना, ठीक है, वॉलनट। ओके, और फिर काजू और एंड पे पिस्ता, बिकॉज पिस्ता बहुत जल्दी। चलिए मैं इनको करती हूँ जब तक आप अपनी हंटर बीफ पे आ जाओ। हंटर बीफ जो है मेरे पास यहाँ पर हंटर बीफ है जो कि मैंने श्रेड कर लिया है क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त होता है। आइसबर्ग लेटस है। अच्छा, अब ऑप्शनल चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि आई लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ। तो मैंने बाय द वे मैं कान में तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। माइक हमारा लगा हुआ है, माइक लगा तुम लोगों के लिए। ओके, ठीक है, पूरे पाकिस्तान को भी आवाज गई होगी जस्ट बाय द वे। ये वाली जो सॉस है ना, ये पता नहीं क्या मैजिक सॉस है मगर एक बहुत मशहूर मशहूर जगह से ये सॉस है। ठीक है, हमने कहा कि अपने यू नो बट
मेरी रेसिपी है। ओके ठीक है जी, डन हो गया, किसी को पता नहीं चला और हमें पता चल भी गया। अच्छा, हमने पहले बादाम ऐड किए, बादाम के बाद हमने ऐड किए वॉलनट्स। कोई वो आ गया है, वो कोई तिनका विनका है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, अक्सर होता है वैसे, उसी का है। आप टेंशन ना ले, आप हंटर बीफ बताएं। अच्छा, हंटर बीफ बच्ची संभाल लेगी। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द हंटर बीफ राइट नाउ। अच्छा, जब तक एक्चुअली आई शुड डू दिस लेटर, 5 सेकंड। आई वॉन्ट टू क्विकली टेल यू के मेरे पास, मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड का चुनाव किया है, इवन दो के आई नो के इसके ऊपर राबिया और ताबिश के अलावा बाकी सब रोएंगे। मैं मल्टीग्रेन ब्रेड ही खाती हूँ, मैं कभी भी व्हाइट ब्रेड नहीं खाती, एंड आई एम श्योर कि ताबिश भी मल्टीग्रेन ब्रेड। तुम और ताबिश हो जो कि इसके ऊपर, मी टू हैशटैग मी टू। कौन है जी कॉलर हमारे साथ? अच्छा, ब्रेड के ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर, जब तक आप कॉलर से बात करें, और इसको मैं डालूंगी। फ्रॉम डीजी खान, अस्सलाम वालेकुम वरूसा। वालेकुम, कैसी हैं राबिया भाई? आप कैसी हैं? डीजी खान का मौसम बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। यहाँ कितनी तेजी से रूसा रमजान जो है ना वो गुजार रहा है, आप देख रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं, बहुत अच्छा जा रहा है। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत अच्छा है। मेरे भाई की बर्थडे है आज, लाइक। ओह हैप्पी बर्थडे, क्या नाम है भाई का? लाइक हमजा शेख। लाइक हमजा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear like hamza, happy birthday to you। kya baat hai, agar aap bhi chahte hain apni birthday par koi wish hasil karna to bhejiye 1000 rupees inke account mein, 1000 rupees mere account mein, sasti aur tikao birthday wish। अच्छा, शो हम कर सकते हैं एक्सप्रेस पर। बाय द वे, मैं यहाँ पर ब्रेड जो है वो अपने डॉलन्स के मिनी अवन में डालने लगी हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग है। आपको गैस आजकल पता है कि नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो आपको गैस की रिलायंस खत्म है। और आई वांट टू टेल यू कि इसके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी है, 42 लीटर्स, 2 साल की वारंटी है, 40 कस्टमाइज रेसिपीज भी आपको वेबसाइट पे मिलेंगी, इसके साथ किताब भी देंगे आपको रेसिपीज का। और कन्वेक्शन मोड अवेलेबल है, जो कि मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी ब्रेड टोस्ट करने के लिए। तो बहुत सारी सारी चीज़ें, और टेम्पर्ड ग्लास है, तो यू नो ज़रा देखने में होता है, और हीट रेजिस्टेंट ग्लास है, तो हाथ अगर लग गया आपका शीशे पे तो कोई टेंशन नहीं होगी। और यहाँ पर ये देखें, मैंने ओवन ऑन किया हुआ है, मैं आई कैन ईजिली टच द ग्लास डोर ऑफ द ओवन एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं अपनी बटर्ड ब्रेड इसके अंदर डाल रही हूँ, मेरे ख्याल में मैं 4 टोस्ट डाल सकती हूँ। अच्छा भाई, मीनवाइल जब वो ये कर रही हैं तो मैं अपना काम कर रही हूँ बहुत अच्छे बच्चों की तरह। सबसे पहले मैंने बादाम इसमें रोस्ट किए, उसके बाद हमने अखरोट और फिर काजू और फिर पिस्ता सबसे एंड में, क्योंकि सबसे जल्दी पिस्ता रोस्ट हो जाता है। ये ठीक है, रंग आ गया इसमें रोस्ट होने वाला। अब आप इसके अंदर सबसे बंद करके वे वाले में हल्का सा टोस्ट भी कर लो। ठीक है, ये है, बताइए, ये है पिसा हुआ खोपरा। करेक्ट, टिमुंडो, पिसा हुआ खोपरा आपने इसमें ऐड करना है। ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो आप इसको बिल्कुल, क्योंकि फ्राई पैन गर्म ही है, तो आप उसी के अंदर इसको कर दें। और अगर आपको फिर भी राबिया लगे ना कि यू वांट टू जस्ट टर्न द पैन ऑन, बट खोपरा अगर आप बहुत ज़्यादा टोस्ट करोगे वो तेल निकल जाता है उसका, उसका तेल निकल आएगा। तेल नहीं निकालना भाई, आहा हा, क्या खुशबू आ रही है पिसे हुए खोपरे की। वैसे पिसा हुआ खोपरा इज सो गुड फॉर हेल्थ बहुत सारी चीज़ों में। किसी दिन डॉक्टर बिल्की से इसके फवायद जानेंगे भाई, पिसे हुए खोपरे के। अच्छा, आई एम टोस्टिंग द ब्रेड, जब तक मैंने 2 सैंडविचेस की सिचुएशन यहाँ पर ब्रेड लगा दी है। अब आ जाते हैं वापस अपनी हंटर बीफ की तरफ। श्रेडेड हंटर बीफ डाल रही हूँ मैं बोल में, ठीक है। इस बोल में मैं डालूंगी, सारा ही बना दूँ हमेशा की तरह। हाँ हाँ बिल्कुल, फोड़ देंगे आज हम, फिक्र ही ना करें। इसमें डालूंगी मैं मेयोनेज। हंटर बीफ रिमेम्बर के सॉल्टेड होता है, ये लोग अक्सर अच्छा भूल जाते हैं हंटर बीफ सैंडविच बनाते हुए। और मैं कहती हूँ कि ये हाउ कैन यू फॉरगेट सच अ बेसिक थिंग, हंटर बीफ वाले सैंडविच के अंदर। ओह द स्मेल्स लवली, है ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं थोड़ा सा चूल्हा जला दिया था ताकि ये अच्छा, अब सही है बिल्कुल, आई लव इट, बेहतरीन हो गया। अब इसको पीसना है, अब आपने इसको, आप इसको पीसना है थोड़ा थोड़ा करके ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम जॉलन्स का जी, ये इस खास उसको क्या कहते हैं, चॉपर, चॉपर, चॉपर कोई भी हो। और अगर चॉपर नहीं है घर में, अगेन वैसे तो ले लें डॉलन्स का जाके, नहीं बिल्कुल ले लें, दूसरा आप तरीका ना बताएं। अच्छा, दूसरा चॉपर में ही, डॉलन्स ही के चॉपर में पिसेगा तो ही ये बनेगा। आपको क्या हो गया, हम चाहते हैं लोग डॉलन्स खरीदें यार, हमने खरीदा, हमें फायदा हो रहा है, तो हम लोगों को भी ये देते हैं। ठीक है भाई, अच्छा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे मस्टर्ड है, अगेन ये वाली चीज़ें जो है ये ऑप्शनल है, और मेरे पास यहाँ पे वसाबी है।
सो वसाबी इज लाइक दिस जापानीज सॉस, इसके ऊपर चिंगपिंग लिखी हुई है। ये पाउडर के फॉर्म में भी आती है, ट्यूब की शक्ल में भी आती है, बहुत सारे तरीकों से आती है, आपकी मर्जी है यू वॉन्ट टू यूज द वसाबी और नॉट। आहिस्ता आहिस्ता करके डालो, पूरा ना डालो। क्या बात है, मैंने जिंदगी में कभी भी पॉइंटर कार्ड को इतनी, मतलब वेयर देयर इज, वो क्या कहते हैं, इजाद क्या, मदर इज द, यू नो लाइक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इजाद क्या, जरूरत इजाद की माँ है। मैं कह रही थी कितनी देर में लड़की को याद आएगा, बहुत सारा गिर भी गया है, कोई बात नहीं, खोपरा ही गिरा है, बाकी मैं नट्स नहीं गिरने दिए, जो कि मांगे होते हैं वो नहीं मैंने गिरने दिए। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें डाल दूंगी, बस अभी पहले देखना चाहती हूँ कि सूरत हाल क्या है। ओए होए होए, क्या ब्रिलियंट चॉपर है भाई, मुझे चाहिए ये। अच्छा, वसाबी क्या होता है बताएं? वसाबी एक जापानी मूली होती है। क्या होती है? जापानी मूली। जापानी मूली होती है जो कि मिर्चें लगाती है, मगर नाक में, जब भी आपको कभी आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी हो और वो नाक में नहीं चढ़ जाती, हाँ तो बिल्कुल, वो वाली मिर्चें लगती हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने अक्सर औकात देखा है कि यू नो वसाबी वैसे जो है वो उसके साथ खाई जाती है ना, सुशी के साथ, देखने में बड़ी बेजरर होती है तो लोग मुंह में डाल लेते हैं, नॉट लोगों को लगता है कि बड़ा जी ये कुछ अच्छा सा एक पेस्ट होगा, लेकिन फिर वो आपके तन बदन में आग लग जाती है। काली मिर्च डाल दी, पहली दफा जो लोग सुशी खाने जाते हैं तो वो बड़ा सा एक चम्मच निकाल के खाते हैं। आई लव वॉचिंग दैट, नेवर गेट्स ओल्ड। मैं एक सुशी रेस्टोरेंट में, अगेन यू नो वेरी फेमस कराची का एक सुशी रेस्टोरेंट है, एक होटल में मैं वहाँ पे काम करती थी जब, तो द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी वुड हैव कस्टमर्स हु वुड डू दिस, कि वो अपने मुँह में पूरी की पूरी वसाबी डाल लेते थे और हम सब लोग यू नो खड़े होके देख रहे होते थे कि क्या सीन है, क्यों है ऐसा। इट्स ओके, साढ़े करते नहीं होंगी ना। अच्छा जी, ये हो गया भाई, ब्रिलियंट। मैं तो अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, बातें कम और अच्छा, काम ज्यादा। आप इसको वापस पैन में अब डालेंगे। ओके, ठीक है, अब आप इनको भी ग्राइंड करेंगे। ओ, इतना काम, और फिर काम, आप इसको मिस्क करेंगे, मिस्क जी, सॉरी, आप बेहतरीन गरम हो चुका है ये जूसर, मजा आ गया, क्या बात है भाई, कोर हो गया हाथ, क्या है, चॉपर है, नॉट जूसर। जूसर आपने यूज किया था ना, हमने एबीसी बनाया था जी, बहुत बड़ी सी मशीन होती है। नहीं, मैं तो वैसे भी इस पहले से ही, आई थिंक सारे पाकिस्तानी डॉलर्स के तो हम फैन हैं। अच्छा, आई हैव मिक्स दिस, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी असेंबली करनी है। यहाँ पे मेरे पास श्रेडेड आइसबर्ग है, ये कभी भी मीट के साथ या उसके साथ नहीं मिक्स करते गाइज, इसको प्लेन रखते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आप सॉसी सैंडविच बनाएंगे, आई नो आई अंडरस्टैंड कि बहुत पसंद है सब लोगों को सॉसी सैंडविच, मगर वो सॉगी हो जाएगा इफ्तारी तक। और ये यार, ये तो मर्द हजरात भी घर में बना सकते हैं आज बेगम के लिए। Yes. हंटर बीफ सैंडविच, ये हंटर तो कोई ऐसी बना बनाया किसी बेकरी से जाके लेकर आए और जल्दी से बना लें, क्योंकि यू नो सैटरडे हमारा वो डे होता है जहाँ हम स्नैक्स बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं। ये जो है ये बहुत हेल्दी है, देखो इसके अंदर कोई शुगर नहीं डाल रही राबिया, पूरा कर लेना एक साथ ही, हो जाएगा ना। अगर इसमें बाद में पानी, वैसे ये छोटा सा लग रहा है लेकिन ये है बेहतरीन, इसमें वो पूरा जो है ना मटेरियल आ गया था। ये औरतों को सबसे बड़ी जो है ना जिंदगी का गम यही होता है कि भाई ज्यादा ज्यादा ना हो, बर्तन भी ज्यादा ना हो और मेहनत भी ज्यादा ना हो, तो ये इसने बचा लिया। अगर आप हो रहा है भाई, हो रहा है नहीं, अच्छा अब आगे बता दें इसका क्या करना। अच्छा, बस असेंबली करेंगे, मैं टोस्ट का होने का वेट कर रही हूँ। आज जनाब दो चीज़ें बन रही हैं, एक तो ये हम बना रहे हैं डेट्स के साथ, एक बड़ी बेहतरीन सी चीज़। अच्छा, इसको कितना हमने पीसना है? माइनर सा, बिल्कुल पीसा पीसा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत सा, पीसा पीसा नहीं चाहिए, नॉट टू पीसा पीसा। कुछ इसमें डालना है पानी? थोड़ा लिक्विड आप डाल सकते हैं। ओके, एडिशनल, ऑल राइट, टू गेट थिंग्स गोइंग एंड मूविंग। तो ये बेहतरीन रेसिपी है, अगर जब इबादतों के लिए आपके घर वाले सब जाग रहे होंगे तो आप ये बनाकर एक ट्रे में सर्व कर दें और थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी, और जब मीठा खाते हैं तो नींद भी उड़ जाती है, तो दोनों चीज़ें उड़ती हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, मैंने ये कपकेक केसेस जस्ट फॉर यू नो फॉर अ फन वे टू सर्व देम एंड कीप देम इंडिविजुअली रैप्ड, कूल बनने के लिए, कूल बनने के, एग्जैक्टली। कॉलर जी कराची से नबीला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिया आपी, क्या हाल है नबीला? बिल्कुल ठीक, हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू नबीला, जज़ाकअल्लाह। कौन सा सेगमेंट फेवरेट है आपका?
अच्छा बच्चों वाला ना, बच्चे बहुत मजेदार बातें करते हैं यार, सही बात है। और शेफ अरूज बहुत मजे मजे के खाने बनाती है। क्या बात है भाई, शेफ अरूज तो सबकी फेवरेट हो गई है, मुझ समेत। बहुत सारी चीजें मुझे शेफ अरूज से सीखने को मिली हैं, और लेकिन बस मुझसे काम बहुत कराती हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज आ जाओ भाई, बिल्कुल आ जाओ। और कैसे मिलना चाहती हो, आ जाओ कुरंगी में, हमारा दफ्तर है, आके मिल लो मुझसे। कैसे आ सकती हूँ भाई, नंबर लिखवाओ अपना और बात करो पीछे। बल्कि हमारी एक बहुत अच्छी जबरदस्त कवाली नाइट हो रही है, जो इंशाल्लाह 21 या 23 रमजान को आप देखना भी शुरू कर देंगे, उसके बारे में इश्तहारात भी, और वो हम आप लोगों के लिए उसको प्लान कर रहे हैं। और बहुत बड़े कव्वाल हैं पाकिस्तान के जो आएंगे, बहुत बेहतरीन कव्वाल ग्रुप है, और आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अफजल साबरी और हमनवा ग्रुप है जो आएंगे इंशाल्लाह, इतने वो बेहतरीन कव्वाल हैं, बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। 23वीं की जो शब है ना, उस पर ये होने जा रही है, और बस आप उसमें आ जाएं, जिस जिसको आना है आ जाएं, ठीक है जी, नंबर लिखवा दें। अच्छा जी, ये हो गए हैं। हाँ, इसको मगर अब मिक्स करना, मिक्स जो है मैं कर देती हूँ हाथ से, ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही जोरे बाजू से करेंगे, ये जोरे बाजू वाला अब सीन है, तो आप थोड़ा थोड़ा ये डालेंगी। I love this, by the way. I'm getting paid to do makeup. और बोलो, मुझे तो बहुत शौक है, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने अरूज को कहा नहीं था कि ये एग्जैक्टली चीज बनाए, लेकिन दिमाग में मेरे somehow यही थी। नहीं, तुमने मुझे बोला था कि अच्छा, तुमने मुझे लाइव टेलीविजन पे बोला था, थी मैं, लेकिन दिमाग में मेरे था भी यही कि यार ये चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि आप आराम से खा सकें और फिर आप इबादत करते रहें। एक आपने गुड़ो, फिर इबादत, फिर दो नफिल, फिर अब इसको अच्छी तरीके से आपने मिस्क करना है। और कॉलर भी ले सकते हैं वैसे हम। आए हाय हाय। और फिर इसके बाद इसका आपने हाथ जरूर धो लें भाई, वजू कर लें, सबसे बेहतरीन है, उसके बाद आप ये बनाना। लगता है कि राबिया ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत सारे आटे शाटे गूंदे। मेहनती लड़की है भाई। भाई हम कल यही बात कर रहे थे, मैं एक जगह पर गई भी थी, लोगों को मेरे कजन के साथ के काम मेरी माँ ने मुझे सारा सिखाया भी है, करवाया भी है, जिस प्रोफेशनल तरीके। दुआ बेशक ये करें कि ऐसे घर में जाए कि काम करना ना पड़े और इतनी मसरूफ रहे अपनी जिंदगी में, लेकिन सिखाना तो पड़ता है भाई। मैं शादी के फौरन बाद, जब वो दुल्हन के नखरे होते हैं ना कि मैं अभी काम नहीं करूंगी, मैं चली गई दुबई में, मेरा मियाँ रहता था अकेला। जब मैंने वहाँ जाके एक दिन खोली अपनी जो मियाँ की अलमारी थी, तो मैं शौक में चली गई, क्योंकि वहाँ कपड़े थे लेकिन कोई भी तय हुआ वह कपड़ा नहीं था। तो वहीं से मुझे अंदाज़ा हुआ कि राबिया बेटा छोड़ वो टीवी वाले नखरे और लग जा काम पे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो बहुत सारा काम किया और खुद किया। ज़रूरत थोड़ा सा और डाल दें। क्या बात है भाई, नट्स नट्स की आपने इनको ना आपस में यकजान कर लेना है, ठीक है, जैसे आटे को आप और जोरे बाजू से ही, और फिर पठान के हाथ हो तो फिर क्या मस्त आटा गूंथता है यार। वैसे राबिया सीरियसली, लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लेवल ऑफ प्रोफेशनल। अब तो तुम्हें मुझसे इंप्रेस हो जाना चाहिए रोज यार, मैं बहुत इंप्रेस चल रही हूँ तुमसे। हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो हम एक दूसरे के लिए किसी का रिश्ता भी नहीं मांग सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस मेरे भाई के लिए। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमारे ससुराल वाले रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम कितनी अच्छी और सुघर लड़कियां हैं, सिर्फ टीवी पर काम करते हैं, बस सिर्फ। अल्लाह का शुक्र है भाई, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब क्या करना है जी बताएं? बॉल बनाओ और डालो केसेस के। सब करो तुम, शाबाश, बॉल बनाओ, इसमें डाल दो, इसको सर्व भी कर दो। बिस्मिल्लाह। इसके साथ चिप्स चाहिए सैंडविच के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल, बना चिप्स चाहिए, बिल्कुल बना दें, बिल्कुल बना दें। ये साइज ठीक है, इससे बड़ा जिस आप यू नो, अब ये आपकी रेसिपी है, मेरी रेसिपी है, मैं खुद बना। अभी आपकी रेसिपी, अब आपकी मर्जी। नहीं, ये बहुत बेहतरीन है, इसके ऊपर आप स्प्रिंकल करेंगे कुछ या बस ये तैयार होगी? ये ही स्प्रिंकल होगा भाई, जबरदस्त स्प्रिंकल होगा हर साइज के। मैं अभी मैंने एक और बाय द वे इसी तरह की सिमिलर रेसिपी रखी हुई है, ठीक है, वो आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम बनाएंगे। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, और बेहतरीन कोफ्तों की तरह आपने इनको राउंड राउंड बना लेना है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे 100 बच्चे ना खजूर नहीं खाते अक्सर, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप ऐसी चीज बनाएं कि थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। जब तक हाथ ना पड़ जाए ना खाने में, तो मजा नहीं आता। ऐसे ही है, द टेस्टीनेस इज, मेरी बेटी उसको कहती है माँ का हाथ। मरियम है जी फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम मरियम।
मरियम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मरियम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कितने साल की हो आप मरियम? मैं 11 की। ओए क्यूटी बेबी, कैसी हो भाई? तुमने रोजे रख रही हो या नहीं? जी मैं रख रही हूँ। रखती हो रोजे? क्या बात है मरियम, क्या बोलना चाहोगी? मैंने 9 रोजे रखे हैं। 9, माशाल्लाह, हाउ लवली, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मरियम। राबे आप इज प्राउड ऑफ यू। बताओ मरियम क्या कहना चाहोगी? मुझे आप बहुत पसंद है। आय हाय, मुझे भी आप बहुत पसंद हो मरियम। आप जब भी कराची आओ प्लीज मुझसे मिलने के लिए आ जाना। ओके ठीक है, मैं आपसे मिलने आऊंगी। आई लव यू, बहुत प्यारी हो आप मरियम। मैं आपके लिए गिफ्ट भिजवाना चाहती हूँ। आप अपना ना आप कंट्रोल रूम में अभी फोन बंद नहीं करना, आप अपना एड्रेस लिखवाओ और आबे आप ही आपको एक गिफ्ट भिजवाएंगे। अच्छा सा ठीक है, ठीक है, ओके, अपना एड्रेस लिखवा दो जल्दी से बेटा। क्या बात है, कितनी क्यूट बेबी ने कॉल की। मम्मा को तंग किया होगा, मुझे बात करनी है कॉल पे। कहा भाई सही बात है भैया, बच्चों से करवाएं आप कॉल्स, बात करवाएं मेरी। अच्छा ये वाली जो सॉस है इसकी भी रेसिपी आउट कर ही देती हूँ आप लोगों के लिए। जी जी बताएं, बिल्कुल बताएं, होनी चाहिए। मुझे लोग मारेंगे। नहीं नहीं बताएं एक्चुअली दिस इज एक्चुअली लोकल जो आपका आता है ना मस्टर्ड, एक्चुअली हमारे मुल्क में उगता है और मस्टर्ड को उर्दू में कहते हैं नहीं मस्टर्ड को धनिया नहीं कहते, धनिया नहीं कहते, धनिया मस्टर्ड को कहते हैं क्या कहते हैं? राई। राई, राई, राई। इसके अंदर राई होती है, उसको बाला जाता है, फिर इसके अंदर कॉर्न फ्लोर की इसका जो वो है रंग ऐसा कैसे होता है? इस बाद में फिर इसमें केचप डलती है, हॉट सॉस डलती है। बट मस्टर्ड इज सरसों, मस्टर्ड इज सरसों, राई नहीं होता। का बीज, सॉरी तुमने राई क्यों बोला? मुझे नहीं पता ना उर्दू राई क्या होती है। तो हम तुमसे ये पूछे थे कि येलो क्या होता है, हम तुमसे पूछे थे मस्टर्ड के। इधर आओ, जिसने राई बोला था ना उसको इधर इधर आओ, इधर आओ। तुम जो हाथों पे कढ़ाई वाली कमीजें पहन के आए हो, अगर तुम खाने के ऊपर इतना ध्यान दे दो ना तुम आओगे, वरना ये सेगमेंट खत्म ही नहीं होगा। इधर आओ, मैं पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहती हूँ किसने मुझे बोला राई। आओ और कढ़ाई वाला कुर्ता भी देखें इसका, क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? कपड़े देखे कितने इसके जो है ना शानदार, ये पहन के आया। दिखाओ जरा अपनी एम्ब्रॉयडरी स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी। और राई क्यों कहा तुमने? शायद की तो बात ही नहीं है। और तुम्हारी आवाज तुम्हें पता है, सबसे पहले तुम्हारे साथ जो सीन कहना वो ये कि तुम्हारी आवाज टीवी पे नहीं जा रही। तो लोगों को लग रहा है ये बंदा बात करे, इसकी आवाज क्यों नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? आसिफ, क्यों? क्योंकि मेरे अब्बा का नाम भी आसिफ है। तमाम आसिफ नाम के जो लोग हैं उनको सलाम। और मेरे हस्बैंड का नाम भी आसिफ है। और आसिफ बाय द वे माय, तभी तुमने इसको किचन में रखा हुआ है ताकि तुम इससे काम कराओ, खुश होती रहोगे। तो हमने हम मियां के हम नाम से काम करवा रहे हैं। वो तो कभी नहीं करेगा कुछ भी लाइफ में। यामी 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 यामी। ओके सो वी हैव, अच्छा भाई डेट बॉल्स भी बन गई हैं और साथ में हंट बीफ का सैंडविच भी बन गया है। रेसिपी हम आपको स्क्रीन के ऊपर एक दफा दोबारा दिखा देंगे। और आज दोनों चीज़ें बहुत ही आसान बताई गई हैं ताकि अब जो दिन आ रहे हैं उसमें सहरियाँ, अफ्तारियाँ और अच्छा। फिर ताक रात की जो इबादत है उसके साथ साथ मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड करना। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ दस्तरखान ना हो, बल्कि जो भी चीज़ हो बस अच्छी बनी हो और आप अपनी बेगम का शुक्रिया अदा करें। बल्कि हंट बीफ सैंडविच आप खुद बनाएं, आप सीख कर। I actually did chose both these recipes today, क्योंकि ये रेसिपीज ना सिर्फ हस्बैंड बना सकते हैं, वहाँ तक तो इतना माय हस्बैंड डजंट रियली वर्क, सो इसलिए वहाँ तक तो दिमाग नहीं मेरा गया था। ताना मार दिया ना, फिट करना जरूरी होता है। क्या बात है, बट नो शेफ अरूज का मियां काम नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, ओके ठीक है। सो बट ये रेसिपी जो है यू कैन गेट योर किड्स टू मेक, एंड आई फील लाइक के लर्निंग हाउ टू कुक इज अ वेरी बिग लाइफ स्किल। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके घर में यू हैव यंग बॉयज और यंग गर्ल्स, बहुत जरूरी है कि उनको इतना तो सिखा दें कि वो थोड़ा सा खुद मुख्तारी की तरफ तो चले जाए, मतलब कि भूखे ना मरें। बिल्कुल, कल को बेगम होगी, उसके बच्चे होने वाले होंगे, नहीं काम कर सकेगी तो खुद भी भूखा रहेगा, बेगम को भी कुछ अच्छा नहीं खिला सकेगा। तो प्लीज काम करना सिखाएं लड़कों। और इसी अच्छी बात के साथ हम जा रहे एक ब्रेक पर। तमाम जो मसाला है, ऑलमोस्ट डेढ़ बॉल्स का मसाला तो नहीं, मतलब जो बैटर बनाया था वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सबके लिए मैंने डेढ़ बॉल्स कर दी है तैयार, जो
खाकर लोग होंगे महजूज। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर। शेफ फरूज आपका बहुत शुक्रिया, आपने की अपनी रेसिपीज खत्म बिल्कुल सही वक्त पर। ब्रेक से जब आएंगे वापस तो बचा पार्टी होगी हमारे साथ, उनसे करेंगे मजेदार गपशप। आज अपनी मेहमान से भी जल्दी आपको मिलवाएंगे, बहुत ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ती है, उनसे उनके घर के बारे में भी बातचीत करेंगे सब कुछ एक चुनने से ब्रेक के बाद। ये बहुत छोटा सा रह गया, एक छोटू सा, कुछ नहीं होता, किसी छोटे को दे देना।